वेलकम बैक टू द चैनल। एक्चुअली आज मैं ये वीडियो पे दिखा रहा हूँ जो मेरा 7 साल पुरानी सुजुकी जिक्सर है उसके ऊपर सेरामिक कोटिंग। हालांकि मेरा फास्ट जो कोट है वो ऑलरेडी हो गया है, अब देख सकते हो थोड़ा सा गाड़ी ग्लेज दे रहा है। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि अगर आपके पास 2 साल की पुराना कोई भी बाइक या कार हो वहाँ पर डायरेक्ट सेरामिक कोटिंग करो। अगर आप चाहो तो कोई भी डीलिंग शॉप जाके वहाँ पर कर सकते हो, क्योंकि 1-2 साल के बाद कहीं कहीं जगह जो है पेंट फेड हो जाता है और या पेंट पे कुछ स्क्रैचेस आ जाता है देखो, तो इसके लिए। बट मेरे जो 5 में 2 मतलब डबल कोटिंग के बाद भी थोड़ा सा एक्सेस था, तो इसके लिए मैंने ये जिक्सर पे कर रहा हूँ। और मेरा अभी भी जो है 10 ml के आसपास बचा हुआ है, कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ मतलब 20 ml के आसपास था 5 मिनट डबल कोट होने के बाद भी। तो उससे 1 कोट ऑलरेडी हो गया और 1 कोट मैं अभी करूँगा। तो इस वीडियो पे मैं यही दिखा रहा हूँ जो कैसे आपको सिरेमिक कोटिंग करना है बाइक पे। मतलब बाइक को वॉश कर लो, 1-2 घंटा रखो सूखने के लिए दो, उसके बाद सिरेमिक कोटिंग करो। तो फर्स्ट कोट मैंने कल कर दिया था, तो अभी जो मैं सेकंड कोट कर रहा हूँ और उसके बाद जो इसका फाइनल लुक है वही दिखाऊँगा कैसा क्या लग रहा है। बट मैं यही बोलूँगा अगर मतलब आपके पास 1-2 साल के भी पुराना कोई भी गाड़ी या बाइक हो तो सिरेमिक कोटिंग डायरेक्ट मत करो। कोई भी डिटेलिंग शॉप पे जाओ, उधर रोलो वैक्स या पेंट में जिधर जिधर भी फेड हुआ है उधर करेक्शन करके करेगा, तो इसके लिए। बट मेरा ये एक्सेस है और ये मतलब 1-2 वीक के बाद ये पूरा सूख जाएगा, तो इसका कोई काम भी नहीं है। तो इसके लिए मैं इधर वो चीज़ अप्लाई कर रहा हूँ या मैं अभी जो है इसका प्रोसेस दिखा रहा हूँ। और एक चीज़, ये जो एप्लीकेशन जो स्पॉन्ज है ये ऑलरेडी निकल गया है, आप देखो थोड़ा सा। तो मैं बोलूँगा ये कंपनी सुपर सिरेमिक कोटिंग को क्वालिटी पे काम करना चाहिए, बट हाँ सिरेमिक कोटिंग का जो क्वालिटी है वो तो अभी के लिए ठीक ही लगा, 1 महीने हुआ है मेरा RC पे। सो देखता हूँ लॉन्ग टर्म पे कैसा रहता है क्या नहीं, रेनी सीजन पे भी कैसा चल रहा है, तो उसके ऊपर बाद में मैं वीडियो डालूंगा। तो अभी मैं जो एप्लीकेशन पार्ट है वो दिखा रहा हूँ, ये जो ब्लैक कोट मिलेगा। हालांकि ये बॉक्स में 2 ग्लास मिला था बट मुझको ग्लास का ज़रूरत नहीं था, एक्चुअली ऐसे ही कर रहा हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है। और ये भी जो स्पॉन्ज है ये 2-3 दिन के बाद मतलब थोड़ा हार्ड हो जाता है, दिस इज़ द थिंग। ऐसे करो, ऐसे सिरेमिक कोटिंग दो, सिरेमिक कोटिंग इधर दिया है। तो अभी जो है ये मैं विंडशील्ड पे दे रहा हूँ, हालांकि मेरा विंडशील्ड पे थोड़ा ज़्यादा ही स्क्रैचेस है, बट हाँ उसके ऊपर ही मैं कर रहा हूँ। मेरा पास जो एक पेस्ट है उस पे से उससे भी मैंने ये स्क्रैचेस रिमूव करने का कोशिश किया, थोड़ा बहुत रिमूव हुआ बट पूरा नहीं हुआ। तो ऐसे करके करना है, उसके बाद 1-2 मिनट के बाद ये जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ है वहाँ से ये चीज़ रैप करना है, तो हो जाएगा डन ये सिरेमिक कोटिंग। सो या अभी 1-2 मिनट सूखने देता हूँ, उसके बाद मैं दिखाता हूँ। तो देखो मेरा सिरेमिक कोटिंग जो है ख़त्म हो गया टोटली। सो और मेरा मैंने पूरा गाड़ी पे ऑलमोस्ट टैपलाई कर दिया, थोड़ा कम पड़ा था बट हाँ चलो हो गया मैनेज, क्योंकि जिक्सर में उतना फेयरिंग है नहीं, इधर इस साइड में कुछ है टैंक पैस। तो अभी जो है मैं ये रैप कर रहा हूँ, देखो चमक रहा है पहले से ज़्यादा, मतलब पहले जो नॉर्मल जो पॉलिश होता है उससे तो चमक रहा है। तो इसका इन तक रिजल्ट कैसा है वही देखना होगा, मतलब 2-3-4 महीने के बाद। तो अभी इनके एक रिजल्ट मैं दूंगा बाहर जाके। तो या The fire burns inside.